हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। ना ये तेरा मैटर है ना मेरा मैटर है, ये फैमिली मैटर है। तो दोस्तों, क्या जीत फिल्म के बाद अब एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धूम मचाने वाले हैं बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान और एक्शन हीरो सनी देओल की ये शानदार जोड़ी। क्या ये दोनों ही सुपरस्टार्स वाकई में नजर आने वाले हैं एक साथ फिर से 26 सालों के एक लंबे वक्त के बाद किसी एक्शन फिल्म में नजर। तो दोस्तों, सुपरस्टार सनी देओल, जिनके बेहतरीन एक्शन का हर कोई दीवाना है, जिनके डायलॉग सुनने के बाद कोई भी आसानी से पूरी तरह से हिल जाए, द वन एंड ओनली सुपरस्टार सनी देओल सर। आपको बता दें, एक लंबे समय के बाद या फिर कहीं 26 सालों के बाद सुपरस्टार सनी देओल और बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान आने वाले हैं एक साथ एक ही एक्शन फिल्म में नजर, जिसे अपना बेहतरीन डायरेक्शन दे रहे हैं बॉलीवुड में त्रिदेव, गुप्त और विश्वात्मा जैसी कई ब्लॉकबस्टर और हिट देने वाले फिल्म डायरेक्टर राजीव राय, जो लेकर आ रहे हैं सलमान खान और सनी देओल को एक साथ एक ही फिल्म में, जिसमें आपको एक्शन, सस्पेंस के साथ साथ जबरदस्त थ्रिलर और लव स्टोरी भी देखने को मिलने वाली है। और वैसे अगर आपने राजीव राय की शानदार मूवीज को देखा होगा तो आपको पता होगा कि राजीव राय अपनी क्लासिकल मूवीज की वजह से जाने जाते हैं। साथ ही राजीव राय की मूवीज में हमें काफी बड़ी स्टारकास्ट देखने को मिल सकती है और इसीलिए उनकी इस एक्शन फिल्म में भी बॉलीवुड के कई जाने माने कलाकार भी नजर आ सकते हैं। जिस मूवी का टाइटल वैसे तो अभी तक ऑफिशियल तरीके से अनाउंस नहीं किया गया है, वैसे कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इस मूवी का टाइटल त्रिदेव 2 या फिर साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म जीत मूवी का सिक्वल यानी कि जीत 2 या फिर जीत रिटर्न्स हो सकता है। बात करें अगर फिल्म से जुड़ी कई और मीडिया रिपोर्ट्स की, तो खबर तो ये भी सुनने को मिल रही है कि अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो जल्दी राजीव राय इस फिल्म को, जिसमें एक्शन हर एक सीन में देखने को मिलने वाला है, उसे अब जल्दी राजीव राय साल 2023 खत्म होने से पहले फ्लोर पर लेकर जाने वाले हैं, यानी कि साल 2023 के खत्म होने से पहले इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। फिलहाल जीत फिल्म में नजर आई सलमान खान और सनी देओल की इस ब्लॉकबस्टर जोड़ी को 26 सालों के बाद फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जल्द ही।